भाई फॉग, भाई क्या ही फॉग है। Hey guys, good morning and welcome back to our new vlog। तो भाई अभी अभी मैं आ गया हूँ ऑफिस। तो हाँ, अभी पूरा ऑफिस खाली है। मैं यहाँ के लाइट वाइट जलाता हूँ ना सुबह सुबह आकर के। चौकीदार का काम मेरे को दे रखा है। ओह, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट भी है भाई। चलो खेल सकते हैं ऐसे। वो देखो पीछे पीछे बैडमिंटन कोर्ट। और मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ भाई, फॉग देख रहे हो सामने कितना है, कितना फॉग है। और जब मैं घर से निकला तो भाई कुछ ही फॉग नहीं था। मैं शर्ट पहन के ही निकला था, स्कूटी से निकला था घर से। दीदी के हो ना अभी, तो दीदी के यहाँ स्कूटी से निकला और फिर मैं गया मेट्रो स्टेशन पे, पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। कुछ भी नहीं था भाई। आधे रास्ते आया, मतलब 5-10 मिनट और आगे आया, इतना फॉग है यहाँ। तो भाई उससे ज़्यादा फॉग है यहाँ, तो खतरनाक फॉग रखा है। चलो बढ़िया है, सर्दियाँ आ जाए ज़्यादा अच्छा है, ऐसे गर्मी तो नहीं अच्छा लगता। और आज ही कल देखो, ऐसे रोज़ मैं जैकेट लेके आता है ठीक। और कल ही मैंने अपने बैग से निकाल दी जैकेट, और सुबह भी ठंड ऐसी कुछ थी नहीं वहाँ पे, तो मैं सोचा क्या ही करना है। और यहाँ पे आ गया, देखो ठंड एकदम खतरनाक सी हो गई है। मज़ा आएगा, शर्ट ही पहना हुआ, कुछ लेके भी नहीं आया भाई, दिक्कत ना हो जाए, ठंड ना लगे मेरे को। वैसे ठंड ऑफिस के अंदर तो नहीं लगेगी, बाहर जाऊँगा तो ही लगेगी। और बाहर क्यों ही जाएंगे हम। अभी फिर से मेरी 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसको मैं ज्वाइन 10-10 बजे करूँगा। अटेंडेंस देने के बाद फिर टाइम पास करूँगा इधर घूम करके। और तो कुछ करना होता नहीं है भाई, आज है और लास्ट। कल एक ही मीटिंग, कल 3 दिन हो चुके हैं। हाँ, कल ये ख़त्म हो जाएगा, फिर एक और 5 दिन की हमारी मीटिंग चलेगी सुबह शाम तक। भाई बहुत दिमाग ख़राब कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। सुबह शाम तो एकदम बोर हो जाए, इतना खतरनाक बोर होता है भाई, इतना खतरनाक बोर, क्या बताऊँ। चलो खैर, कोई नहीं, स्टार्टिंग में तो चलते ही रहता है, उसके बाद तो कुछ काम है नहीं, उसके बाद तो बस पड़े ही रहना है यहाँ पे। ये व्यू मस्त लग रहा है यहाँ से, रुको दिखाता हूँ तुम लोग को। देखो वैसे तो फॉग बहुत है, और इस कोट की मैं बात कर रहा था जो मैं दिखा रहा था, अगर ना दिख पाए हो आप लोग तो। हर चीज़ का शोरूम भी है यहाँ पे। वैसे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना चीज़ें एक्सप्लोर करूँ यहाँ पर, देखूँ और क्या क्या है। उस दिन थोड़ा ही बहुत घूमा था, आज थोड़ा ज़्यादा घूमेंगे। मीटिंग रहती है ना यार, क्या ही घूमूंगा, बैठ के बैठा ही रहता हूँ। चाय पॉइंट है वैसे, चाय पीने वहाँ जा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं भाई इतनी कॉफ़ी पी लेता हूँ ना, फ्रीक्वेंट की कॉफ़ी इतनी पी लेता हूँ भाई, बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर मुँह का टेस्ट ही एकदम अजीब सा हो जाता है। 4-5 बार तो कॉफ़ी हो जाती है दिन की, जो कि नहीं पीनी चाहिए। पता नहीं पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं पीनी चाहिए। चलो वेट करता हूँ कि मेरे दोस्त वगैरह आ जाएँ। और कल तो वैसे शटल सही है यार, बैठो मस्त, पहुँच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से इंजॉय करो, सच से पहुँच जाओ। सोच रहा हूँ कि मैं जाके लंच कर लूँ, लेकिन अकेले कौन ही जाएगा लंच करने भाई। देखो पीछे वैसे कुछ लोग आने लगे हैं, और वो क्या ढूंढ रहा है ये मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो कल भाई मैंने खा ली थी मैगी और चाय, जो कि भाई मेरा बहुत हुआ था पेट दर्द सुबह सुबह, और भाई कल से दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है मेरे। वैसे दवा ले लिए, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी मेरे दोस्त आएंगे तो मैं जाऊँगा उनके साथ, कुछ खाऊंगा, कुछ हेल्दी खाऊंगा भाई। ये बड़ा दिक्कत है भाई, चाय और मैगी खा ली थी कल, परसों से रात में दर्द हो रहा था, और कल चाय मैगी खा ली भाई, पूरा दिन पेट दर्द हुआ मेरा पूरा दिन। अब नहीं खाऊँगा अनबन चीज़ें। और देखो चलो फाइनली कड़ी भी पहन ली, ये पड़ी हुई थी 3-4 महीने से, इसका सेल खराब हो गया था, कल जाके इसमें सेल भी पड़वा लिया था, तो मैंने कहा पहन ही लेते। डिजिटल वॉच मेरे को अजीब लगती है हाथ में डालने में, ये सही लगती है। हमारी चल रही मीटिंग जिसको हम बंद करके अभी तो मैं पराठे दाब के आया हूँ, और अब बैठ करके और मैं रील्स देख रहा हूँ, मिल्क पी रहा हूँ, ये रील्स देख रहा है। और अनमोल को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि अमोल को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि उसको कोई लड़की देख नहीं रही है। भैया जी उनको तो पता है कि मैं नहीं देख रहा। और अमोल मजे ले रहा है सक्षम के, देख देख तेरे को वाली देख रही है। बताओ भाई व्लॉग बना, डिसमिस का वो अलर्ट आ गया पता नहीं क्या। भाई बहुत बोरियत होती है भाई, कल से इस जगह को हम लोग कर देंगे अलविदा, हम कहीं और जाके बैठेंगे, क्योंकि हमारा नया वो आ गया लोकेशन, सेटिंग लोकेशन, ट्रेनिंग लोकेशन है ना, वो ट्रेनिंग नहीं असाइन हुई लेकिन ट्रेनिंग लोकेशन असाइन हो गई है। देखो उधर चल रही है उसकी मीटिंग, और उधर चल रहा है मेरा लैपटॉप चल भी रहा है। हाँ देखो बंद है ना, मस्त मौज मारो बैठ के। ये मीटिंग वीटिंग कौन करता है यार। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने हैं,
और उनको दिखाता तुमको एकदम मस्त सी चीज़। ये तो देखो ये थोड़ा थोड़ा बेकार है, अब तुम यहाँ देखो ये मस्त बना रखा है ना एकदम। पता नहीं नीचे जा भी सकते हैं कि बस ऐसे ब्यूटी है, नहीं जाने का तो कहीं दे नहीं रखा है तो मतलब हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। और अभी अभी मैं 2 घंटे की नींद पूरी करके आया हूँ भाई, मस्त सोया। मीटिंग वीटिंग गई तेल लेने, कोई मतलब नहीं मीटिंग से। ये अनमोल है पूरी मीटिंग अटेंड कर रहा है, अमोल नाम है भाई। अरे यार यार हमारी तो मीटिंग है ही नो। हाँ तुम आई जब होगी तब मजा आएगा। अरे जब तुम आई होगी तब मजा आएगा। ये तो गाइस हम लोग झाड़ियों के बीच में आ चुके हैं, यहाँ झाड़ी और झाड़ जंगल है, झाड़ जंगल के बीच में आप लोग आकर के एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको आना है तो। और मैं काला लग रहा हूँ क्योंकि धूप उधर है और अब मैं सही लग रहा हूँ। सुबह जितना तेज फॉग था अभी उतनी तेज धूप हो रही भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऊपर आने आने में थक गया भाई, मेरा बुढ़ापा आ गया, नज़दीक आ गया है, जाने का समय हो रहा है मेरा, लग रहा है जिम करना पड़ जाएगा, पेट निकला जा रहा है और सुस्ती आती जा रही है। ये देखो व्यू। वैसे अभी पता चला कि यहाँ मैकडॉनल्ड्स भी है भाई, बताओ मैं फालतू जंक के चक्कर में कुछ और खा रहा था, आराम जाके मैकडॉनल्ड्स रोज दाबूंगा बैठ करके, मस्त। बहुत तेज धूप है, चेहरा जल रहा है पूरा। जगह पे ले आया तुमको? हाँ एक नंबर जगह है ये तो। ये जगह का नाम भैया पता नहीं कैन डाउन करके था कुछ, कैन डाउन रिलैक्सिंग करके कुछ ऐसी जगह, इस जगह को बोला जाता है। वैसे यार बहुत मस्त है और यहाँ से फोटो वोटो तो बहुत ही मस्त आ रही है, बस मेरी बेकार आ रही क्योंकि मेरे बाल है ना मैं सेट वेट करके आता नहीं हूँ और बड़े बाल हो रखे हैं एकदम, जो कि मेरे मुंह पे आ जाते हैं। देखो जन्नत यहाँ है और हम लोग बैठ के इधर उधर ढूंढ रहे थे भाई, इतनी अपन की फेवरेट प्लेस। जवान थोड़ी लड़खड़ा आ जाती है गाइस, उसके लिए माफ़ी। अरे लखनऊ में एक्टिंग नहीं बता रहा, अरे शायद जैसे बड़े बड़े मॉल है लखनऊ में, दिल्ली से ज़्यादा सबसे बड़े। खाने से पहले तो ब्लॉग बनाते नहीं, तो खाने का बाद का ब्लॉग देख लो गाइस। ये है हमारी आज की लास्ट कॉफी इन लॉन्डो के साथ। भाई इधर आओ ना, चेहरा अब छोटा हो गया मेरा, 0.5 पे वीडियो होना।